नमस्कार, वीडियो कौन जीना इसी का नाम है कि आज के एपिसोड में आइए बात करते हैं मेरी एक बहुत अच्छी मेरी चहीती दोस्त। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इस किस्म की मिसाल मेरा ख्याल है शायद दूसरी नहीं है। बहुत से सिनेमाटोग्राफर डायरेक्टर हो गए, कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट भी डायरेक्टर हो गए, लेकिन कोई फीमेल चाइल्ड आर्टिस्ट राइटर भी हो जाए डायरेक्टर भी हो जाए ऐसी मिसाल जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है सिर्फ एक ही है। मैं जिक्र कर रहा हूँ हनी ईरानी का। हनी प्लीज तशरीफ लाइए। आदाब हनी, आदाब आदाब। आपके आने से पहले मैं जी भर के आपकी बुराई कर रहा था और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। देयर इज वन थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट हनी। आपका सुर जो है बहैसियत चाइल्ड आर्टिस्ट भी, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, एंड एज अ राइटर एंड एज अ डायरेक्टर, इज नॉट अ लाउड नोट। एक काम करते हैं, आपके बचपन की एक साथी को बुलाते हैं, मिलके ये बात करते हैं। प्लीज तशरीफ लाइए। बातें कर रहे थे, हनी का जो परफॉर्मेंस स्टाइल था, जो शैली थी उनकी एक्टिंग की, वो थोड़ी सी नॉर्मल से मेल खाती हुई थी। इज दिस रियली पार्ट ऑफ हनीज नेचर फ्रॉम द टाइम शी ग्रू अप? शी वाज अ ब्रैट एंड शी वाज, आई मीन, इसको हम लोग कंट्रोल में रखते थे सेट पे भी। सरोज साहब एक केक लेके आए थे जो बाद में मैं खाने वाला हूँ, लेकिन उसका राज हम अभी खोल लेते हैं। ये सरोज साहब केक कहाँ का है और क्या वजह क्या है इसकी? आज हनी की सालगिरह तो नहीं है? ये हम लोग की दुकान का है जी, एंड शी लाइक्स द क्रिसमस केक हेल ऑफ अ लॉट। सरोज साहब ने केक का जिक्र किया, तो मैं चाहता हूँ कि वो जिस जमाने की बातें कर रहे हैं, कि जो आप केक वेक से ताल्लुक जिस जमाने का आपका है उसकी कुछ तस्वीरें देखते हैं, फिर इस किस्से को आगे बढ़ाते हैं। ये बीप मेहरबान जी, आपके वालिद साहब की दुकान जी तब भी थी जी? वालिद साहब जाहिर है फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। आपकी माता जी का फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक था? She was very fond of movies, yeah, but ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। तो आप दोनों कैसे धमक पड़ी फिल्मों में? Calcutta people used to come, the film folks Bengali. used to come, Bengali and they would stay on the ground floor of the building. So jahan wo log rehte the, then that is how mummy got in touch with Vipin Gupta, no? I think yeah, Vipin Gupta, Satyen Gupta. उन्होंने आपको पहले देखा? डेजी को। ये तो पैदा ही नहीं हुई थी। अच्छा, तो पहले आपको देखा? जी। आपने काम करना शुरू? मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो फिर हनी का नंबर कैसे और कब आया? डेजी को साइन करने लोग आए थे, सत्यन बोस, मैं वहाँ पे खेल रही थी। And I was about 2-2.5 years old. तो सत्यन ने कुछ बात बात करके मम्मी से जब बैठे तो मैंने अपनी हैट उतारी, तो आई नोटिस दैट ही इज बॉल्ड। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ये तो टकला है। तो ही स्टार्टेड लाफिंग एंड ही सेड शी कैन स्पीक। सो माय मदर सेड या शी कैन स्पीक अ लॉट। तो मैंने एक्चुअली, हमको छोटा बच्चा चाहिए था बट हमको मालूम नहीं कि शी कैन स्पीक, तो हम इसको ले लेते हैं। डेजी का पत्ता कर गया। आपकी पढ़ाई वढ़ाई का क्या हुआ? आई डिड अप टू द 5th, आई थिंक शी डिड अप टू द 4th, 3 इयर्स। एक साल की तरक्की हुई? हाँ, मैं। और कैसे पूछिए? मैं फर्स्ट आई थी, मैं फर्स्ट आई थी। और क्लास में कितने बच्चे थे? दो बच्चों में आप फर्स्ट आ गई?
हद कर दिया. वेरी प्राउड. आपके तकरीबन फैमिली के एक मेंबर हैं, वो उचक उचक के वहां से कुछ मैसेज देना चाहते हैं. देखिए वहां देखिए. माय डियरेस्ट हनी, इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी हियर ऑन दिस शो टुनाइट. आई ऑलवेज रिमेंबर यू सो फॉन्डली फॉर गिविंग बैक, फॉर गिविंग मी बैक माय sister whom I lost so many years ago. Today on your day of glory, I want to tell everybody how thoughtful you have been with me particularly and my family, especially in our times of crisis, and been there for us. God bless you. I am very, very proud of you. Lekin aapke muh bole bhai, ab wo kuch apni behan ka zikr kar rahe the. तो ब्रीफली मतलब बताएं हम. नीलू उनकी सिस्टर थी, वो डाइड इन एक्सीडेंट. एंड वो आपकी दोस्त. हां, वी ऑल फ्रेंड्स टुगेदर. एंड सिंस दैट टाइम, आई मीन मेनी इयर्स नाउ, आई टाई राखी टू हिम एवरी ईयर एंड मेक इट अ पॉइंट ऑफ गोइंग एंड मीटिंग हिम. दैट ही ऑब्वियसली वैल्यूज दैट. या एंड सो डू आई. वेलकम बैक. केक जो है हमने हिफाजत के साथ रख दिया ताकि लोग इत्मीनान से और बेफिक्री के साथ बैठ सकें. और हनी से बातें हो रही हैं. हनी, मैं चाहता हूं कि बहुत से और एस्पेक्ट्स हैं आपकी ज़िंदगी के और करियर के जो डिस्कस करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि और भी लोग उसमें शामिल हो जाएं ताकि किसी से बात छुपी हुई ना हो. पहले हम कुछ लोगों से बात सुन लेते हैं यहाँ जो आपके बहुत करीब हैं. ओके हनी, बिफोर साजिद स्टार्ट्स टॉकिंग नॉनसेंस, let me tell you that we love you very much and we'll never forget what you did for us in our childhood. Yeah, you taught me English and I failed. Shut up. Yeah. You failed on your own. No, she used to teach me English. She used to say J-A-M, jam. No, that is Daisy Andy. Yeah, Daisy Andy. Ani Andy, extremely nice to know that you are looking so nice standing over there, and you've lost a lot of weight also. And I remember Farooq ji and you, we all were friends, and we all used to hang out together. Where you used to hang out? You were kept in the department. No, I used to hang out. And then he's talking rubbish. I just want to tell you that you have been an inspiration in my life. I may not tell you this, but the way you have conducted your life. Yeah, she used to dance so well. Honey auntie, I want to just tell you that you have done extremely well, and we are all, I can't say we are proud of you because we're too small to say that, but the way you have conducted your personal life is something that we should all learn from. Wait, I'll make somebody else come. Please, aaiye. Hello. Hello. Come here, hold on, come here. Farhan, aap bhi idhar aai jaye, mera khayal. Mera khayal hai, Farhan ko to bahut log pehchan hi lete hain. Odna ki jo hai introduction aap kare. Odna is Farhan's wife, my daughter-in-law, and she's a great hairdresser who runs Juice, and the best daughter-in-law I could have asked for. Thank you. Great. Ye Farhan jab pehli martaba Odna ko aapse milane liya, and when he introduced you that this is my mother, your memory of that first occasion? She dropped food on my bed. That was the first meeting I ever did. Drop food on the bed. Ye to zaroor meri bahu banne lagi. Perfect. Okay, let's hear it from Odna. No, really, I mean, she was very welcoming and very loving, very open, and never once have I felt unwelcome in their home, and it's been an amazing experience, really. I couldn't have asked for. And she's a nice mother. She's a superb mother-in-law. When you first came as a daughter-in-law, this is it, official now, you are settled here. So what were her first messages to you? No instructions at all. We had a little thing where we asked her mom, dad, Shabana, mom, to come and just give us some words of advice as to how we should conduct ourselves for the rest of our marital togetherness. And mom came up to us and said, love each other, take care of each other. Or agar kuch ho jaye to Odna, I'm with you. Very encouraging for the son. It was great. Okay, we want to talk about Honey's
फर्स्ट ब्रेक विच शी मेंशन के भाई एक डायरेक्टर साहब आए थे, उन्होंने गलती से अपनी टोपी उतार दी और इन्होंने जो है उनको डिस्क्राइब कर दिया। उसने कहा मैं तो बरसों से इंतजार कर रहा था कोई मुझे इस तरह डिस्क्राइब करे, मैं इसी को लेने वाला। जब आप सीढ़ियों से उतर के आ रही थी दुपट्टा यहाँ से, तो मुझे ऐसा लगा कि इज दैट हाउ यू फर्स्ट मेट जावेद साहब? जावेद साहब से भी तो पूछने उनकी क्या राय है इसके बारे में प्लीज। हेलो हनी, तुम्हारे बारे में तुमसे बातों के लिए तो मेरे लिए एक पूरा प्रोग्राम भी कम पड़ेगा, लेकिन कुछ बातें मैं ज़रूर तुमसे कहना चाहूँगा। मेरा तुम्हारा रिश्ता भी अजीब है, हम लोग ज़िंदगी में मिले भी, साथ भी रहे, फिर अलग भी हो गए, और आमतौर से होता यह है कि अलग होने के बाद कड़वाहटें पैदा हो जाती हैं। लेकिन हुआ यह है कि इन 20-21 साल में वक्त के साथ हम बेहतर से बेहतर दोस्ती होते रहे और ज़्यादा मज़बूत दोस्ती हुई और एक अच्छा रिश्ता बना, जिसका ज़्यादातर क्रेडिट मैं तुमको ही दूंगा। ये इससे तुम्हारे दिल और दिमाग की खूबसूरती और तुम्हारी शख्सियत का बड़ापन मालूम होता है कि तुम्हें ग्रेस कितना है और कितनी डिसेंसी है। मैं इस बात का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि तुमने जिस तरह से मुझे दोस्त रखा और दोस्त बनाया। मैं ये बात पूरी यकीन से कह सकता हूँ कि दुनिया में जो 2-3 मेरे दोस्त हैं जिन पे मैं ये यकीन करूँगा और मुझे विश्वास रहेगा कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मेरी मदद करेंगे, मेरे साथ होंगे, उनमें से एक तुम हो। और ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें भी पता है कि ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़े तो जो चंद दोस्त तुम्हारे साथ हर हाल में खड़े होंगे और कुछ भी करने को तैयार होंगे, उनमें से एक मैं हूँ। आमतौर से ऐसा कम होता है, और अगर ऐसा मेरे और तुम्हारे दरमियान इस तरह का रिश्ता है, इतनी गहरी और मज़बूत दोस्ती का, तो मैं इसका क्रेडिट अपने से ज़्यादा तुमको दूंगा। और एक और बात का क्रेडिट मैं तुम्हें दूंगा कि ज़ोया और फरहान जो हमारे बच्चे हैं, बड़े हो गए अब तो, और दोनों को देखता हूँ तो खुशी होती है, इसलिए कि उनके सोचने का तरीका, उनके जीने का अंदाज़, उनके संस्कार, उनका वैल्यू सिस्टम मुझे अच्छा लगता है। वैसे वो खुद बहुत इंटेलिजेंट हैं दोनों, लेकिन पेरेंट्स का अगर कोई कंट्रीब्यूशन होता है तो मैं समझता हूँ मुझसे कहीं ज़्यादा तुम्हारा है, और तुम एक बहुत अच्छी माँ साबित हुई हो, और इसकी मैं तुम्हें मुबारकबाद देखता हूँ। काश मैं इतना अच्छा बाप होता जितनी अच्छी तुम माँ हो। मेरी तमाम दुआएँ, मेरी नेक तमन्नाएँ, मेरी दोस्ती, मेरी सिंसियरिटी तुम्हारे साथ है। ये देखकर खुशी होती है कि तुमने अपनी ज़िंदगी को कितनी अच्छी तरह से बनाया है। तुम आज एक कामयाब राइटर हो और फिल्म भी डायरेक्ट कर रही हो। मेरी बेस्ट विशेस और मेरी तमाम दुआएं तुम्हारे साथ हैं। एक बात मैं तुमसे कहना चाहूँगा जो तुम शायद मेरे बारे में ना कह सको, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कहूँगा। मैं तुमसे ज़िंदगी में मिला, मैंने तुम्हें जाना और मैं आज तुम्हें जानता हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है, इसलिए कि तुमसे मिलकर और तुम्हें जानकर मुझे ज़िंदगी पर, इंसान पे और नेकी पर, अच्छाई पे यकीन पैदा होता। थैंक यू। जावेद साहब ने कहा था या तो मैं आ सकता हूँ और ये सारी बातें हनी के मुंह पे नहीं कह सकता, और या फिर मैं मैसेज दे सकता हूँ। तो हमने कहा कि शो हनी का है तो हनी ही को खुश किया जाए। तो जब आपने फैसला किया अब हमको साथ नहीं रहना, वी वांट टू लिव सेपरेटली, अनसर्टेनिटी का वक्त तो ज़रूर रहा होगा। हाँ, बट अगेन आई वुड से दैट जावेद वाज क्वाइट अ सपोर्ट देन आल्सो, मतलब लुक्ड आफ्टर अस, वी हैड द हाउस, द मनी, एवरीथिंग, एंड देन आई गॉट लकी दैट आई गॉट अ ब्रेक विद Yeah, and started doing well. But I would definitely want to say this thing here that Javed is giving me a lot of credit for a lot of things, I know, but I also know and realize what he's missed out as far as the children are concerned. I mean, he wasn't there to see them growing up and, you know, there to be with them.
I just hope that somehow or the other we try and fulfill that. Now with their grandchild, you know, with our grandchild, their daughter, Shakya. So let's hope. आप जैसा इन्होंने बताया आप बहुत कम उम्र के थे लेकिन आप और जोया जो आपसे थोड़ी बड़ी थी इसका एहसास तो खैर होने लगता है कि भाई मेरी वालदा और मेरे वालिद जो है अब साथ नहीं रहते एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हनी मस्ट हैव बीन लाइक गोइंग थ्रू एन ओवर ट्रॉमा और साथ में फिर आपको भी सपोर्ट करना वो दौर हनी का आपके साथ कैसा रहा देयर इज वन थिंग दैट आई डोंट नो दैट देयर इज वन क्वालिटी दैट मॉम हैज सीन हर थ्रू दैट पीरियड एंड दैट इज द एबिलिटी टू लाफ at things, the ability to take things in a stride and see, I don't think there really is a lighter or a brighter side to an event like this, but to see some form of humor and try to laugh at whatever there is to laugh at. She made sure that Zoya and me witnessed more of that and let us see the happier and the more positive side of things, that she has a life and a new life and a fresh start and that she can move on and do something very powerful and yeah, positive. Yeah, aapne bahut achhi baat kahi, happier and positive side. हम हैप्पी और पॉजिटिव चीजों की एक तस्वीर यहाँ देखते हैं। ओह माय गॉड। पारसी बोलो। शाकिया। यार अगर शाकिया। ये पड़ा। Hi mom, firstly I want to apologize for not being there today and I just want to thank you for being absolutely superb as a parent and for your amazing ability to let Farhan and me just be and let us just grow the way we want to grow and do our thing and give us the space and freedom to make our mistakes, to make our own paths and just go wherever life is leading us and just be there and support us completely through it all and I can't think of a better parent. Thank you very much. I love you very much. And all my friends want to have a mother like you. So you should know that. Welcome back. Jeena Isi ka naam hai. Hani se baatein ho rahi hai. Aur, बेतकल्लुफ़ी का अंदाज़ है क्योंकि हनी पुरानी दोस्त भी हैं आप जावेद साहब के साथ थी बहुत अच्छे राइटर हैं और बहुत कामयाब राइटर रहे आपने जावेद साहब से अलग होने से पहले कभी ये सोचा था कि मुझे भी कहानी लिखने का शौक़ है या मैं भी कहानी लिख सकती हूँ द फैक्ट इज़ मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी तब भी और मैंने वो किसी को दिखाई नहीं थी सिवाय जावेद के वजह क्या बिकॉज मुझे ऐसा लगता था मुझे कोई सीरियसली लेगा नहीं और वो बोलेंगे कि अचानक के हस्बैंड राइटर हैं तो अब ये भी कोशिश कर रही हैं कि राइटर बन जाए एंड इनफैक्ट जावेद वाज द वन हु एनकरेज मी ही सेज कि नो यू रियली हैव द टैलेंट एंड यू आर एंड आई जस्ट थॉट दैट यू नो बेचारे इज ट्राइंग टू बी वेरी स्वीट टू हिज वाइफ एंड दैट इज व्हाई ही इज सेइंग दैट बट ही वाज द पर्सन हु टोल्ड मी यू नो यू हैव द टैलेंट एंड यू हैव द नैक आप लिखती थी शुरू से जी शॉर्ट स्टोरीज जब आपने स्क्रिप्टें लिखना शुरू किया तो आपको ऐसा लगता था कि दरअसल तो मुझे डायरेक्टर बनना है लेकिन अब immediately मुझे director कौन बनाएगा तो पहले script I have to have a script to become a director so that's why I started writing a script और फिर वो script Pamela Chopra ने पढ़ी which was Aina जो वो TV serial बनाना चाह रहे थे फिर उन्होंने यश जी ने कहा कि नहीं ये script बहुत अच्छी है इसकी feature film बनाओ and that's how Aina was made तो उन दिनों की हकीकतों का एक आईना दिखाने के लिए एक और दोस्त हमारे हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं मैं उनको बुलाता हूँ प्लीज तशरीफ लाइए रमन साहब आइए कहीं आपने भी हनी से मैचिंग कलर पहना हुआ कहीं आप लोग मतलब एक दूसरे में गुम ना हो जाए हनी कह रही थी जब मैं जावेद साहब के साथ रहती थी तब भी एक छोटी कहानियाँ लघु कथाएँ लिखती थी और उसके बाद जो है मैंने बाकायदा सोच लिया कि अब मैं स्क्रिप्टें लिखना चाहती हूँ मुझे याद है कि आप भी जावेद साहब को भी बहुत अच्छी तरह जानते थे हनी को भी जानते थे और बहुत वक्त वहाँ गुजारते थे तो तब ऐसा लगता था कि हनी जो है अल्टीमेटली जाके कुछ कहानीकार बन जाएगी या निर्देशक बन जाएगी ऐसे कुछ खतरे जो है उस वक्त महसूस हो रहे थे इनफैक्ट
साथ साथ किसके जब हम मैं लिख रहा था तो मैं तो इनके घर पे रहता था तो हनी साथ साथ हनी साथ साथ थी और उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन हनी का रहा और हनी तो साथ में असिस्टेंट भी रही तो उसमें भी जो स्टोरी सेटिंग में तो इस बात का डर हमेशा लगा रहता था कि ये जो है एक दिन राइटर बनेगी और एक दिन जो डायरेक्टर बनेगी एक साहब हैं जो उस खतरे से वाकिफ़ हैं और उन दिनों में हनी को झेल भी चुके हैं हनी आपके बारे में बात करना चाहते हैं हेलो जी मुझे वो दिन याद आ रहा है जब तुमने पहली बार कहा था कि तुम मेरी असिस्टेंट बनना चाहती हो तो मैं अंदर से थोड़ा सा घबराया हुआ था मैंने कहा जावेद साहब की बीवी है सेट पे कुछ अजीब सी बात हो जाए कुछ हो जाए तो ज़रा मुश्किल हो जाएगी लेकिन जब तुम सेट पर आई तुमने बिल्कुल एक मेहनती असिस्टेंट की तरह काम किया और बहुत अटेंटिव थी तुम्हारी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी थी हमेशा फोकस में रहती थी तुम हनी तुम्हारी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है तुम ज़िंदगी को जीना जानती हो तुम्हारी वजह से हम लोग बहुत हंसे हैं तुमने हमेशा इस तरह की वो गेट टुगेदर्स किए जिसमें सब मिल के हंसा करते थे पुराने सीनियर एक्टर्स के गाने देख देख के उस ज़माने की टेक्निक देख के और कैसे जो है हर बार हम सबको जमा करती थी तुम बस इसी तरह ज़िंदगी में हंसती रहो खुश रहो और कामयाबी की तरफ बढ़ो हनी की एक खासियत ये भी है कि जो एक बार इनकी दोस्ती के दायरे में आ जाता है वो फिर बाहर निकल नहीं सकता एक और शख्सियत है जो उस ज़माने से इनको जानती है और अब भी इनकी बहुत करीबी दोस्त हैं प्लीज़ आइए Oh my God, I don't believe this. How are you? Too much. Arundhati Nag, khair, beshtar log jante hain ki bahut achhi theater ki actress rahi hain, theater se bahut kareebi taur pe judi hui hain aur Arundhati, aapki aur Hani ki pehli mulaqat kab hui thi? Tumhe yaad hai? Mujhe bhi nahi yaad. Choti moti baat hai. Bahut saal ho gaye. 20-25 saal ho gaye. Haan. हनी के साथ इतने साल जो गुजारे हैं और करीबी दोस्ती रही कैसा तजुर्बा आई थिंक इट्स बीन द मोस्ट वंडरफुल फ्रेंडशिप दैट आई हैव इट्स बीन वॉचिंग अनदर वुमन ग्रो अ वुमन गो थ्रू सो मेनी डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ एंड स्टिल जस्ट शी कंटिन्यूज टू स्माइल एंड शी इज रियली गिवन मी होप सो मेनी टाइम्स मुझे बम्बई छोड़े 25 साल हो गए मैं बैंगलोर में रहती हूँ ये नहीं कि हम हर हफ्ते एक दूसरे को फ़ोन करते हैं मैं जब भी बम्बई आती हूँ मैं इसी के घर में रहती हूँ पर जब भी मिलते हैं वी जस्ट पिक अप द थ्रेड्स ऑफ आवर फ्रेंडशिप राइट वेयर वी लेफ्ट इट एंड वी नो दैट वी आर देयर फॉर ईच अदर हनी जो है लोगों को बहुत आज़ादी और अपनी स्पेस देती है और नॉन इंटरफेयरिंग किस्म की शख्सियत है इसलिए मेरा ख्याल है लोग उनसे कम्फर्टेबल भी रहते हैं जब मिले तो बहुत दोस्ताना है हंस बोल लिए कभी खुद पे हंसे कभी किसी पे हंस लिए लेकिन खुशगवार माहौल रहता है वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है मैं बातें हो रही है हनी से और उस जमाने की बातें हो रही है जब हनी बहुत छोटी थी और गाया करती थी माँ नानी तेरी मोरनी को मोर उस जमाने के एक बुजुर्ग जो हैं जो हनी के बहुत बड़े फ़ैन थे और बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे उस वक्त भी और अब भी हनी से बहुत प्यार करते हैं वो इसरार कर रहे हैं कि सबसे पहले मुझे बुला लो बाकी जो होगा बाद में होगा प्लीज़ जनाब तशरीफ लाइए सर Hey. Hey. Oh my God. आदाब बेंजामिन सर हाउ आर यू कैसे हैं आप बेंजामिन को कब से जानती हैं 70s आई थिंक वी मेट इन 1976 और वो ऐसे हुआ था कि दीवार फिल्म का 100th वीक था वहाँ मैं गया था उस सेलिब्रेशन पर वहाँ मुझे जावेद साहब मिले और उनसे मुलाकात हुई तो कहने लगे कि आप ज़रूर घर आइए तब ये फ्लैट पे रहते थे फरहान बहुत ही छोटे थे जोया उनसे ज़रा सी बड़ी थी हनी उनसे ज़रा सी बड़ी थी उसके बाद फिर इट वॉज लाइक फैमिली लेकिन मैं ये भी मानता हूँ विदाउट गेटिंग टेरिबली इमोशनल अबाउट इट के रिश्ते कमज़ोर ज़रूर होते हैं हनी टूटते थे आप 10 साल के बाद मिल रहे हैं आज जी हाँ तकरीबन 10 साल एटलीस्ट इतने अच्छे अच्छे काम मैंने आपके लिए किए इस शो में बेंजामिन प्लीज़ थैंक यू वेरी मच प्लीज़
अच्छा हनी, आपके दोस्तानों की सब बातें चल रही हैं, लेकिन लेट्स कम बैक टू व्हेन यू स्टार्टेड राइटिंग योर ओन स्क्रिप्ट्स। सो हाउ वाज दैट फर्स्ट सीन? आईना तो खैर अप्रूव हो गई थी एंड देन आई हैड टू रीराइट फॉर द फिल्म। उस बीच में उसी दिन जब आईना की स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई, यश जी ने मुझसे कहा कि मेरे पास एक आइडिया है विच आई हैव गॉट फॉर अबाउट 15-20 इयर्स एंड ही नरेटेड लमे इन 5 मिनट्स टू मी कि दिस इज व्हाट इट इज एंड कैन यू वर्क ऑन इट। आई सेड आई विल गिव इट माय शॉट and it took me exactly I think 17 or 18 days because I was so charged that I had to prove to Yashji that I can write the script. So I wrote the script and after about 16-17 days I went told yeah, I'm giving you a narration. And he came and bam and we were all sitting. I narrated the script to him and after the script got over Yashji uth ke chale gaye and I was just looking at Pam and like almost we both even Pam thought that you know something has gone wrong. But Pam says, honey, it's very good. And we were both like in tears. And I said, party's over, but it's really bad. I should really change my profession. And after about half an hour, Yashji came back again, gave me a very big hug. And he says, we are doing this film. I didn't know how to tell you, but it's brilliant. So that moment for me was like, okay, thank God. Like, you know. And then, let's talk to somebody who wants to say something about your first film. Hi honey ji, I'm so happy to be on your show. सालों पहले मैं काफ़ी नई थी, QSQT के बाद ही होगा, पैम जी ने मुझे आपके घर भेजा था आपसे कहानी सुनने के लिए। आप अपने रूम में बैठी थी, वहाँ पर कुछ गद्दे वद्दे लगे हुए थे, आपने कहा आओ बैठो, चाय वाय मंगवाई और फिर आपने मुझे आईना की कहानी सुनाई थी और मुझे आज भी याद है, मैं सुनती रह गई और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी कहानी बनाई थी आपने और मैं तो उसी वक्त जंप करके बोल देती मैं ज़रूर कर रही हूँ ये फिल्म। और मुझे ये भी याद है कि जब आईना की शूटिंग शुरू हुई तो आप और पैम जी हर रोज़ सेट पर आते थे, वहाँ पर बैठते थे एंड देन यू वुड गो थ्रू द होल सीन एंड यू नो डिसाइड ऑन द कॉस्ट्यूम्स, अमृता क्या पहनने वाली है, जूही क्या पहनने वाली है, जैकी क्या पहनेंगे, कैसे क्या होगा। Your involvement was there throughout the film and you made such a beautiful film. It's one of my best. And Aina ke baad kafi saalon tak jab bhi main auraton ko milti specially to wo mujhe zarur kehti hain ki aapki Aina film bahut hi achhi thi. And I know that it was all thanks to you and to Pam ji. And of course the director Deepak ji also of course. But it was beautiful and I wish आप और पैम जी फिर कुछ अच्छी फिल्म बनाते हैं ऐसे एंड आई लुक फॉरवर्ड टू इट कि आप ऐसा कुछ करेंगे और फिर ऑफ कोर्स मुझे भी रोल दे देंगे। हनी, आर यू अ वेरी पोजेसिव राइटर कि मैंने ये लिखा है ये बदल नहीं सकता ये तो ऐसा ही रहेगा? आई मीन टू एन एक्सटेंट फारूक, बट आई एम ओपन टू सजेशंस। आई मीन आई एम नॉट दैट कि जो मैंने लिख दिया दैट्स द लास्ट वर्ड, बट इफ समबडी कम्स अप विद अ बेटर आइडिया एंड सेज कि आई फील अगर ये ऐसा थोड़ा चेंज कर लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, द पर्सन कन्विंसेस मी, आई एम विलिंग टू डू इट। आई हैव नो ईगो हैज़। जो क्रिटिसिज्म होता है जैसा कि इस फील्ड में, चाहे आप एक्टर हो, डायरेक्टर हो, मेकर हो, राइटर हो, यू आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, आर यू वेरी टची अबाउट इट? बहुत जल्दी आपको ऐसा लगता है यार ये क्यों मेरी बात, इन्होंने ये कौन ये बेवकूफ़ है जो ये लिखता है? आई डू गेट हर्ट, आई डू गेट अपसेट। Like before my release, I'm very tensed and I get fever and I fall sick and all that happens even today. तो journalistों के साथ आपकी मतलब? मतलब मुझे जबरदस्ती का जो पंगा लेते हैं ना, वो लोग नहीं पसंद। ये unusual है कि जो लोग अखबारों में लिखते हैं, उनकी बहुत गहरी दोस्ती हो वो लोगों के साथ कि जो खुद फिल्में बनाते हैं या फिल्में लिखते हैं। मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ। प्लीज आइए, तशरीफ लाइए। निशी, आपकी और हनी की मुलाकात कब की है और कितने सालों की है? I have known her for many many years as a journalist also I knew her, but we became friends sometime in early 90s. चूंकि आप अखबारों के लिए लिखती थी और बहुत मशहूर आपके मैगजीन्स होते थे, तो did you have any interaction with हनी बतौर राइटर के? एज अ जर्नलिस्ट जब मैं मिली थी तब आई थिंक आई वाज डूइंग अ स्टोरी ऑन वुमेन हु आर यू नो मैरिज इज गॉन रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट,
और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी यू नो व्हेन आई वेंट टू मीट हर कि कुछ रोने धोने वाली स्टोरी मिलेगी मुझे बट दैट वाज द फर्स्ट थिंग एक्चुअली दैट स्ट्रक मी अबाउट हर यू नो हर कंप्लीट व्हाट शुड आई से शी वाज वेरी फॉरथराइट शी वाज वेरी वेरी कैजुअल अबाउट व्हाट हैज हैपेंड टू हर दैट वाज रियली अमेजिंग आपकी रिश्तेदारी निशी के साथ कैसी रही भाई बहुत अच्छी रही शी इज वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स हम जानते हैं एक दूसरे के वीकनेसेस जानते हैं हमें मालूम है कब एक दूसरे को अकेला छोड़ दो सो वी आर क्वाइट गुड एट दैट वेलकम बैक हनी से बातें हो रही थी हनी कथाकार से बातें हो रही थी और फिर हनी जो है चैन से नहीं बैठी उन्होंने कहा मैं अब फिल्म अपनी डायरेक्ट भी करूँगी और हनी ये कैसे हुआ सबसे पहले तो क्या वाकई अरमान जो आपने आपकी पहली फिल्म बतौर डायरेक्टर के है क्या वाकई वो आपने सोच के रखा था कि मैं अरमान जैसी एक स्क्रिप्ट बनाऊंगी और दैट विल बी माय फर्स्ट फिल्म उसी से मैं शुरुआत आई हैड थ्री स्क्रिप्ट्स व्हिच आई वांटेड टू एनी वन ऑफ देम टू डायरेक्ट बट बाकी की दो से बेटर लोगों को ये लगी किन लोगों को मतलब जिनकी ओपिनियन मैटर टू मी इवन द प्रोड्यूसर हु वाज प्रोड्यूसिंग द फिल्म द एक्टर्स And we decided that we'll go along with Arman. जो एक अच्छा producer मिल गया, who was willing to. But honey, आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई जो चीज, जो कारोबार अच्छा खासा चल रहा है, और आप खासी कामयाब फिल्मों की लेखक साबित हो चुकी थी तब तक, तो उसको बंद कर दूँ, फिर एक नई पगडंडी पकड़ूँ, वो कहाँ जाके खत्म होगी, क्या जाके मिलेगा ultimately, ऐसा एक एक थोड़ा सा अच्छा इसी वजह से मुझे इतने साल भी लगे to get into direction. बिकॉज हर बार जब मैं कोशिश करती थी सब कहते पागल हो गए तुम तुम्हारा काम इतना अच्छा चल रहा है व्हाई डू यू वांट टू डू दैट बट दिस टाइम मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे करना है आपके एक साथी एक दोस्त का मैसेज सुन लेते हैं उसके बाद फिर अरमान की मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं हाय हनी आंटी जस्ट वांट टू टेल यू आई लव यू इट वाज ग्रेट वर्किंग विद यू इन अरमान एंड थैंक यू फॉर राइटिंग क्या कहना थैंक यू फॉर राइटिंग द लवली लवली कैरेक्टर ऑफ प्रिया एंड मुझे पता है कि यू आर नॉट डूइंग योर नेक्स्ट फिल्म विद मी सो जस्ट किडिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू आई लव यू इट वाज ग्रेट वर्किंग विद यू एंड आई वुड लव टू वर्क विद यू अगेन अरे बताओ डायरेक्टर के कैसा तजुर्बा रहा बहुत अच्छा रहा मतलब संतोषजनक बिल्कुल एब्सोल्युटली मतलब मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि यार मैं बिहाइंड शेड्यूल हूँ या मुझे अपना काम नहीं आता या मैं इतने बड़े एक्टर्स कैसे हैंडल करूँगी एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड फॉर मी माय एक्टर्स वर फैबुलस ऑल ऑफ देम वेरी प्रोफेशनल माय प्रोड्यूसर वाज वेरी गुड तो मुझे उस हिसाब से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं एक सेकंड मैं फरहान की राय इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि फरहान तो आपसे भी पहले जी डायरेक्टर बन गए थे फरहान प्लीज यहाँ तशरीफ लाएं आप खुद दिल चाहता है बना चुके थे बड़ी चर्चित फिल्म रही कामयाब फिल्म रही आपने जब अपनी मम्मी की फिल्म देखी तो आपका पहला एहसास क्या था मेरा पहला रिएक्शन था कि मुझे फिल्म बहुत पसंद आई थी इट वाज अ वेरी क्लीन वेरी ऑनेस्ट पीस ऑफ वर्क एंड आई वाज वेरी प्राउड ऑफ हर दैट शी मेड अ मूवी लाइक दैट एक शख्स है जो आपके बारे में बहुत अच्छा मैसेज देना चाहता है मैं उसको गोल नहीं कर सकता मैं बताने पर मजबूर हूँ प्लीज यहाँ से सुनते हैं કેમ ફ્રેની કેમ છે બધું સારું છે દીકરી મજામાં સોરી આઈ કુડન્ટ બી ધેર ટુડે આઈ એમ શૂટિંગ બટ આઈ જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ સે ધેટ વી રિયલી લવ યુ એન્ડ રિયલી ચેરિશ યોર ફ્રેન્ડશિપ એન્ડ યુ એન્ડ ધ ટુ લિટલ નોટી અખ્તર કિડ્સ આઈ કાન્ટ સી ધેમ ફ્રોમ વેર આઈ એમ શૂટિંગ બટ ઇફ ધે હાઈ ફરહાન હાઈ ઝોયા એન્ડ સો દેટ્સ વોટ આઈ વોન્ટેડ ટુ સે ટુડે એન્ડ Take care, lots of love. Bahu mithi che. अच्छा अक्षय का रिएक्शन बहुत अच्छा था मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे ही कुछ रिएक्शन दें प्लीज आइए Oh my God. I believe. I believe.
ओके अच्छा जुना हेलो क्या कहा था अक्षय ने बहु मिट्टी छे बहु मिट्टी छे वैसे के बुक में था हाय शाकिया जो लोग ना जानते हो फरहान की साहबजादी हैं और हनी की पोती है शाकिया और ना आपको यहाँ आना बहुत जरूरी है ये क्या है किताब हनी ये मैंने शाकिया की बर्थडे पे लिखी आइए प्लीज स्टोरी फॉर शाकिया की पहली बर्थडे पर मॉम ने ये कहानी लिखी थी डेडिकेटेड टू शाकिया पहले उन्होंने इनमें इसमें जो फोटोज हैं पहले इसमें उन्होंने अपने खुद के फोटोज हनी ये मैं क्या सुन रहा हूँ शाकिया को डराने का आपने सामान किया था पहले अपनी तस्वीरें डाली इसे चलाया अच्छा शाकिया आप अपनी मम्मी के पास चले जाएं हाउ डज इट फील टू बी योर ग्रैंडमदर ग्रेट आई थिंक इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड आई कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग एल्स मोर देन बीइंग अ मदर टू फराना आई मीन ऑफ कोर्स दे आर माय चिल्ड्रन बट ये कुछ और ही है ये मतलब मुझे अब कहीं जाने का दिल नहीं करता काम करने का दिल नहीं करता तो ये शिट जब शाकिया से आपको थोड़ी फुर्सत मिल जाती है तो आप आइंदा जिंदगी में क्या करने का प्रोग्राम बनाते हैं प्लानिंग करा दो मूवी एक और फिल्म बनाएंगे जो खुद लिखेंगी मैं छोड़ूंगी नहीं लोगों को बर्बाद कर एक और प्रोड्यूसर मेरी लिस्ट प्रोड्यूसर बिरादरान बच के रहे हनी आ रही है उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा दी हनी जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा था कि मेरी दोस्त भी हैं उनसे और बहुत सी बातें हो सकती थी लेकिन चूंकि बेतकल्लुफ़ी का माहौल था इसलिए वो बातें ज़्यादा हुई जो करीबी दोस्तों में होती हैं या फैमिली के करीब होती हैं लेकिन एक बात जाते जाते मुझे जो याद रह जाती है जो अक्षय के मैसेज में थी और जो लगभग लगभग लोगों का हनी के बारे में रिएक्शन है कि बहुत सज्जिज है हनी थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो सोजी और शुक्रिया कि आप तशरीफ रहीं हमें उम्मीद है कि आपकी अगली फिल्म होगी जिस किसी भी प्रोड्यूसर के साथ होगी वो आपकी उम्मीदों से भी बढ़ के होगी और जाहिर है प्रोड्यूसर की उम्मीद से तो बेतहाशा बढ़ के होगी अगले हफ्ते आपसे भी मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ तब तक के लिए आदाब